हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या डॉट कॉम में। आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी की चटनी। कई जगह इसे तीसी भी बोला जाता है। अलसी हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। इसमें ओमेगा 3 होता है जो हमारे हेल्थ के लिए और स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे भूनना है, उसके बाद बाकी चीजें देख लेंगे कि क्या ऐड कर सकते हैं। इसमें गैस ऑन करेंगे। कढ़ाई को रखेंगे गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम हो चुका है, अलसी डाल लेंगे। अलसी को भूनने से पहले अच्छे से साफ करना जरूरी होता है। कई बार इसमें छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े होते हैं। अलसी की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में आप इसे बना सकते हैं। अलसी को भून के ठंडा करके पाउडर बना के इसका हफ्ते दिन आप इसको रख सकते हैं एयरटाइट डब्बे में। जब भी आपका मन करे चटनी खाने का, आप फटाफट से इसको तैयार कर सकते हैं। अलसी में क्रैकर्स आने लग गए हैं। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा तो इसके दाने गोल गोल होने लगेंगे। आप देख सकते हैं इसके दाने गोल गोल होने लग गए हैं। ये अच्छी तरह से भून चुका है। गैस को ऑफ कर लेंगे और किसी दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। अलसी ठंडा हो चुका है। मिक्सी जार ले लेंगे। मिक्सी जार में अलसी को डाल देंगे, भुने हुए अलसी को। इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अलसी को पीस कर पाउडर तैयार कर लिया है मैंने। अब इसकी चटनी बना लेते हैं। अलसी की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक प्याज को बारीक कट कर लिया है। इसमें 2 से 3 चम्मच अलसी का पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच। सरसों ऑयल 1 छोटा चम्मच। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप हर चीज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आपको जितनी चटनी बनानी हो उसके अनुसार। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। नींबू का रस नहीं अवेलेबल हो तो आप इसमें आम का अचार भी डाल सकते हैं। पानी मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। एक बार में बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे तो पतला हो जाएगा ये। एक बार में पाउडर बनाकर आप हफ्ते दिन तक खा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जब भी आपको चटनी खाना हो तभी आप पीस के इसको पाउडर बनाएं। ये हमारी अलसी की चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बना है अलसी की चटनी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और पिंटरेस्ट पे। और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।